चलिए बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान में किसी का फोन टैप नहीं होता है, कॉमन बात करने से कोई फायदा नहीं, अगर किसी को शक है तो शिकायत दे, तुरंत प्रभाव से फोन टैपिंग के मामले में जांच होगी। तो राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का मुद्दा मानो एक बार फिर से गर्मा गया हो। इसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि राजस्थान में किसी का भी फोन टैप नहीं होता है, अगर किसी को शक है तो इसको लेकर शिकायत दें, बात ना करें और तुरंत इस मुद्दे पर जांच होगी। तो राजस्थान में किसी का फोन टैप नहीं होता है, ये कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, कॉमन बात करने से कोई फायदा नहीं, अगर किसी को शक है कि उनका फोन टैप होता है तो इसको लेकर शिकायत दें, इस मामले में तुरंत प्रभाव से जांच होगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, फोन टैपिंग के मुद्दे पर कहा है कि राजस्थान में किसी का भी फोन टैप नहीं किया जाता है, यदि किसी को शक है तो वो शिकायत दे और उसके बाद फोन टैपिंग के मामले में उचित जांच होगी। तो बड़ा बयान सामने आया है, राजस्थान में एक बार फिर से मानो फोन टैपिंग का मुद्दा गर्मा गया हो। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया, कहा राजस्थान में किसी का भी फोन टैप नहीं किया जाता है, कॉमन बात करने से कोई फायदा नहीं, यदि किसी को शक है कि उसका फोन टैप किया जाता है तो इसको लेकर विभाग में शिकायत दर्ज करवाएं और फोन टैपिंग के मामले में उचित जांच होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।